सखिया ने सजना है मैं भी सबर ना है। कुछ रख लो, इन्हें समझती है सब सिंदूर पहनना चाहिए दोस्तों, तो इसीलिए परंपरा को नहीं मानते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे आदमी है जो कि निभा रहे हैं पहले जैसा ही परंपरा। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, अभी हम कहीं गए थे जो कि आरती जी मांग रही है। क्या मांग रही है उनके मुंह से सुनाते हैं आप लोगों को, क्या मांगती है हमसे आरती जी। देखिए अभी क्या कर रही है, सिंदूर लगा रही है। जिनको एक दिन नहीं हजार दिन समझाते हैं सिंदूर जो जब भी लो कपार पे कुछ रख लो, ये नहीं समझती है। कपार पे कुछ जो है ना चुनरी वगैरह ले करके जो है तब सिंदूर पहनना चाहिए दोस्तों, लेकिन नहीं समझती है। हम ही बताते हैं, हैं? आप ही बताइए दोस्तों कैसे जुगा गया कि पति समझा रहे हैं इनको। लो कपड़ा लो, चलिए दोस्तों बने रहे। और अभी आप लोगों को जो है ना सुनाते हैं कि क्या मांग रही है हमसे, और एक दो दिन से बोल रही है ना। चलिए दिखाइए, दिखाइए दिखाइए, क्या बारी है रिया, हाय बोलो। हाय हाय, कपड़ा लो जल्दी, नहीं नहीं दुपट्टा लेते हैं, दुपट्टा लो तुम। दोस्तों देख सकते हैं ले लिए हैं कपड़ा, और आप ये आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, कभी से नहीं लिए थे। और ऐसी चुंदरी मतलब जो है ना सॉरी सिंदूर ऐसे लगा रहे थे, कहाँ है कौन सा कपड़ा ली थी, तो ऐसे सिंदूर लगाया ना। कंगी लाओ तो इसको ये खटका देते हैं। थोड़ा सा भी नियम से चलना चाहिए दोस्तों। आजकल के युग में जो है ना दोस्तों, आजकल के युग में कोई नहीं जानते हैं कि मतलब किस तरह क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। ये थोड़ी है कि अब पुराना युग चल गया तो चल गया, नहीं पहले जैसे होता तो उसी तरह आदमी को रहना चाहिए। हाँ ये है कि आजकल आदमी सबको पैसे बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसीलिए परंपरा को नहीं मानते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे आदमी है जो कि निभा रहे हैं पहले जैसा ही परंपरा, है ना। कुछ ऐसे आदमी जो है नहीं समझते हैं नहीं बुझते हैं, जैसे इनमें क्या आरती जी। तो आरती जी कुछ चाहिए आपको, बोलो। मांग जो रही थी झूठ, हमको झूठा साबित मत करो। हाँ? तो मांग तो रही थी ना आखिर। हाँ? क्या थी बोलो, कुर्ती। उस दिन जो है शॉपिंग कर रही थी ना। हाँ? हमने बोली वही तो, पहले बताओ ना कि आप कौन सा कपड़ा। तो एक रोज साड़ी लिए है, अब एक रोज जो कुर्ती लेंगे ना। चलिए क्या मनिहारा, ये बोल रही है मनिहारा लेंगे एक रोज। तो चलिए दोस्तों बने रहे ब्लॉग में। और बारिश का भी मौसम था, अभी हम लोग जो है कहीं जा रहे थे लेकिन वापस घूम के आ गए हैं क्योंकि बारिश होने लगा था। हम सोचे कहीं रास्ते में ना हो जाए, हम लोग घर आ गए, देखिए बारिश भी बंद हो गया। कैसे अजूबा है ना भगवान का भी, हम लोग जा रहे थे तो रास्ता से घुरा दिया, है ना। चलिए बने रहे। तो गाइज आज हम जो है आरती जी को नए कपड़े दिए खरीद के, देख सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों और कैसे लग रहे हैं, आप लोग नजर मत लगाइएगा। और ये जो है ना दोस्तों, ये कपड़ा जो है दोस्तों, पहले ये कुर्ती मांग रही थी और जब से लहंगा दिए हैं तब से जाकर के खुश हुई। और क्या बताएंगे दोस्तों, वैसे लहंगा पहले दिए हैं, अभी नहीं, पहले कई वीडियो में आप लोग देखे होंगे ये लहंगा को। और आज मतलब गोदरेज में रखी थी और कुर्ती मांग रही थी, हम निकाल के दिए हैं तब जाके जो है ये पहनी, है ना। अभी तो क्या आ रही है, चलिए
दिखाते हैं आप लोगों को, है ना। देखिए आ गए हैं, आज के थोड़ा सा भी जो है ना क्या बताएं। तो देखिए दोस्तों, सैंडल की जगह चप्पल पहन के आई है, थोड़ा सा भी इनको जो है ना कलना है, पता नहीं कब क्या। जाओ जल्दी पहन कर, बच्चे वाला दिमाग है उतना, मतलब दिमाग नहीं है अभी। चलिए बने रे, तो दोस्तों कैसे लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मटक मटक के चल रहे हैं, और सैंडल एक बार दिखाइए हो। देखिए तभी चप्पल पहन के आई थी और अभी सैंडल पहन के आई है, तो देखिए कितना मतलब अच्छा लग रहा है। दिखाइए थोड़ा सा ऊपर, हाँ देखिए अब लग रहा है। हाँ मम्मी सैंडल में अच्छा लगे, चप्पल में अच्छा लगे जी। मम्मी थोड़ा कम मतलब बोल रहे, तबियत खराब है तो तो चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जा रहे हैं अभी रील्स बनाने के लिए, बाकी आप लोग रील्स पे जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी कपड़े के लिए जिद कर रही थी, परेशान कर रही थी और हमसे मांग रही थी, तो पूरा हो गया है। लंगा देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छा लंगा है और अच्छा है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके, है ना। और फिलहाल ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं।